इस वीडियो का बनाने का असली मकसद इस बात से तय होता है कि फिलहाल में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हो गया है और उसी के चलते जो कि प्रिंस चार्ल्स थे वो अब किंग चार्ल्स से जाने जाएंगे। राजस्थान में राजघरानों में तलाश करेंगे आम आदमी की प्रिंस चार्ल्स। 5 बार भारत की यात्रा कर चुके चार्ल्स ने कहा कि वह देश के कुछ नवीनतम विकास को देखने के इच्छुक हैं और हमारे पारस्परिक लाभ के लिए ब्रिटेन के साथ कितने मजबूत संबंध विकसित हो रहे हैं। यही कारण है कि युवा उद्यमियों, तकनीशियों, शिल्पकारों, व्यापार जगत के नेताओं और फिल्म निर्माताओं के साथ नवीन निर्मित दिल्ली में दौरा करने और ग्रामीण राजस्थान में एक अग्रणी जल संरक्षण परियोजनाओं को देखने के लिए मिलूंगा। राजस्थान के राज परिवार के आतिथ्य का आनंद लेने के अलावा प्रिंस चार्ल्स ने आम आदमी के लिए भी कुछ समय आरक्षित किया है। उनके यात्रा कार्यक्रम में अलवर जिले के भावता में इस पुरस्कार विजेता श्री राजेंद्र सिंह द्वारा संचालित जल संचयन परियोजना का दौरा शामिल है। उसने जोड़ा, वह हुमायूं के मकबरे और नागौर किले सहित कई भवन बहाली परियोजनाओं का भी देखेंगे जिसे ब्रिटेन के एक चैरिटी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है जिसके राजकुमार संरक्षक हैं। उच्च आयोग ने कहा कि जोधपुर के सिटी पैलेस में प्रभावशाली मेहरानगढ़ किले के जीर्णोद्धार कार्य और शिल्प कौशल को देखने के लिए एक यात्रा भी कार्यक्रम पर है। ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए राज्य में 3 दिन निजी यात्रा पर बिताए जाएंगे। जयपुर के शाही परिवार के घर सिटी पैलेस में आगमन पर एक महाराज के लिए उनका स्वागत आरक्षित रखा जाएगा। राजकुमार शाम को महारानी गायत्री देवी से मिलेंगे जबकि परिवार के मुखिया ब्रिगेडियर भवानी सिंह सेवानिवृत्त उनके सम्मान में शाही राजभोग का आयोजन भी करेंगे। अंत में मैंने कुछ फोटो का इस्तेमाल किया है जो कि 2003 की हैं, जब प्रिंस चार्ल्स का ये दौरा संपन्न हुआ उस दौरान की। पहली फोटो है जिसमें उनका स्वागत किया जा रहा है प्रोफेसर MS राठौड़ और श्री राजेंद्र सिंह के द्वारा। दूसरी फोटो है जिसमें अरवरी सांसद जो कि एक नदी है इसका संवाद करते हुए दिख रहे हैं प्रिंस चार्ल्स। तीसरी फोटो है जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी शामिल होना पड़ा क्योंकि ये आंदोलन काफी बड़े स्तर का है। इसमें 10 से 12 लोगों को पुनर्जागृत किया गया है जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आप सब जानते हैं राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, पर उस कमी के चलते राजेंद्र सिंह और उनके 2-3 दोस्त जिन्होंने इस आंदोलन को हवा दी और अंत तक संभाले रखा, इनका कार्य बिल्कुल प्रोत्साहन वर्धक है जिसका मैं अभिनंदन करता हूँ।